नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मोकामा के युवाओं की अनोखी पहल, दिवाली में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के सम्मान में निकाला कैंडल मार्च। राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत माँ के वीर सपूत लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की शहादत से पूरे देश में भारी आक्रोश है और यह आक्रोश बिहार में भी देखा जा रहा है। दीपावली पर वीर सपूत ऋषि रंजन को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना जिले के मोकामा में कैंडल मार्च निकाला गया। श्री राम दल मोकामा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में युवा शामिल हुए और उन्होंने लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की वीरता को याद किया और उनके सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। कुछ अन्य संगठनों द्वारा मोकामा में कैंडल मार्च निकाले गए और लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की वीरता, उनकी शहादत को सलाम किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के जोशीले नारों से गूंज रहा था पूरा मोकामा। कैंडल मार्च मोकामा के थाना चौक से लेकर बाजार चौक, गौशाला रोड जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरा। युवाओं ने वीर शहीदों की याद में जोरदार नारेबाजी की। श्री राम दल द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च में श्री राम दल मोकामा के सह संयोजक, सह कोषाध्यक्ष अमन पांडे, मीडिया प्रभारी सुमन सिंह सहित रूप कुमार आर्यन, राजकिशोर सिंह, शिवम हर्षराज, भरत कुमार पाठक, कन्हैया आदि शामिल हुए। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से पूरा मोकामा गूंज उठा था और फिर बाबा परशुराम के चरणों में शीश झुकाकर युवाओं ने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात अपने वीर सिपाहियों की सेवा, उनकी कर्तव्य परायणता एवं राष्ट्र रक्षा हेतु समर्पण के लिए सैनिकों को सलाम ठोका। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ मोकामा ऑनलाइन की वेबसाइट के अतिरिक्त सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पर हमसे जुड़े रहिए। हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।